वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स। ये इंटरमीडिएट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, आपसे शेयर किए जा रहे हैं। और ये सिंध बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक है, सिंध बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके मुताबिक है, उनमें आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। तो बी सेक्शन जो है, जाहिरी बात है क्वेश्चन एंड आंसर बी और सी सेक्शन के अंदर होते हैं। सो बी सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन एंड आंसर आ सकते हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कि आपने टर्मिनोलॉजीज़ को, कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करना होगा, जिसके अंदर बिजनेस की डेफिनेशन आपने देनी होगी, ट्रेड की डेफिनेशन देनी होगी, ऑक्सिलरी ट्रेड की डेफिनेशन देनी होगी, इसके अलावा ई कॉमर्स और ई बिज़नेस के हवाले से भी इसको आपने डिफ़ाइन करना होगा। तो टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशन लिखने के लिए भी आता है, तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इन टर्मिनोलॉजीज़ की। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना होगा, थोड़ा उनकी वजाहत करनी होगी। उसके बाद ये कि डिफाइन सेलमैनशिप, सेलमैनशिप की डेफिनेशन देनी होगी एंड डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ सेलमैनशिप, और क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करना होगा सेलमैनशिप की। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्क्राइब करने होंगे, वजाहत देनी होगी सोल प्रोप्राइटरशिप की। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की जो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको आपने डिस्क्राइब करना होगा, वजाहत देनी होगी। उसके बाद ये कि वाई सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान के अंदर क्यों कॉमन है, इसके बारे में आपने बताना होगा। एक तरह से रीजंस आपने देना होंगे कि यहाँ पर क्यों जो है वो कॉमन है, क्या क्या वजूहत हैं, किस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ सूट करती है यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के कल्चर को। उसके बाद ये कि डिफ़ाइन कॉमर्स, कॉमर्स को डिफ़ाइन करें एंड इट्स स्कोप, और उसके स्कोप को भी आप जो है वो डिफ़ाइन करें, इनको डिफ़ाइन करना होगा आपने। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन ऑक्सिलरी ट्रेड, ऑक्सिलरी ट्रेड को आपने एक्सप्लेन, सॉरी एनलिस्ट करना है, लिस्ट देनी ऑक्सिलरी ट्रेड की, और कोई सी भी चार को आपने एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद ये कि लिस्ट द फैक्टर्स, फैक्टर्स की लिस्ट दें जो कि इस एक नए बिज़नेस बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए होते हैं। और इसके अलावा ये कि एक्सप्लेन कैपिटल एंड लोकेशन, और एक्सप्लेन करें कैपिटल को और लोकेशन को, यानी एक्सप्लेनेशन दें, वजाहत दें। उसके बाद ये कि डिफ़ाइन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को डिफ़ाइन करें, एक्सप्लेन करें उसके एडवांटेजेस और जो डिसएडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द कंडीशन, कंडीशन को डिस्क्राइब करें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो कंडीशंस है उसको डिस्क्राइब करें, वजाहत करें। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है, यानी कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो क्या है, डिस्क्राइब करें उसके कॉन्टेंट्स को भी। उसके बाद ये कि डिफाइन प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस को डिफ़ाइन करें कि प्रॉस्पेक्टस जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन दें। बिल्कुल वैसे ही होता है प्रॉस्पेक्टस जिस तरह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होता है, इसी तरह कंपनीज़ में भी प्रॉस्पेक्टस होता है। उसके बाद एक डिस्क्राइब करें इसके कंटेंट्स, जो कुछ उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं प्रॉस्पेक्टस के अंदर, उसको डिस्क्राइब करें, उसकी वजाहत दें। उसके बाद एक डिफ़ाइन करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके भी कंटेंट्स को आपने डिफ़ाइन करना होगा। उसके बाद ये कि डिफ़ाइन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग को डिफ़ाइन करें, डेफिनेशन दें एडवर्टाइजिंग की, और उसकी जो काइंड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं एडवर्टाइजिंग की। उसके बाद ये कि राइट नोट, नोट लिखें ऑन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस की डिफरेंट टाइप्स है, उसके ऊपर आपने नोट लिखना होगा। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउस, एडवांटेजेस डिस्क्राइब करें, वजाहत करें स्टोरेज के या वेयर हाउस के। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें वेरियस एडवर्टाइजमेंट ऑफ मीडिया, जो वेरियस एडवर्टाइजमेंट ऑफ मीडिया है उसको डिस्क्राइब करें। उसके बाद ये कि स्टेट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बताएं। और उसके बाद ये कि स्टेट द सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर, रिटेलर जो कंज्यूमर को सर्विसेज देता है वो जो है बतानी होगी इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद ये एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ रिटेलिंग, रिटेलिंग की कई सारी काइंड्स होती हैं, उनको एक्सप्लेन करना होगा, उनकी वजाहत देनी होगी। उसके बाद ये स्टेट द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर, सर्विसेज बतानी होंगी जो होलसेलर देता है प्रोड्यूसर को या फिर रिटेलर को, वो आपने बताना होगा। उसके बाद ये कि पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग, इसके हवाले से आपने लिखना होगा। और प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट, अच्छा ये डिफरेंसेस आ सकते हैं कि पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के दरमियान क्या क्या फ़र्क हैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है दोनों जो डिफरेंट तरह की कंपनीज़ हैं, इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स बेचे जा सकते हैं लेकिन प्राइवेट के नहीं बेचे जा सकते, इसी तरह शेयर और डिबेंचर, इनमें क्या फ़र्क है, शेयर ऑनरशिप है जबकि डिबेंचर एक तरह से लोन की सूरत में होता है। उसके बाद ये कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो ट्रेड है उसके बारे में भी आपने डिफरेंसेस लिखना होंगे, होलसेलर और रिटेलर में जो फ़र्क है वो लिखना होगा,
मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इसके दरमियान भी आपने फ़र्क जो है वो लिखना होगा, डिफरेंसेस लिखने होंगे। नाउ दिस सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर का है, बी जो है वो शॉर्ट था, और यहाँ पर अब आपको जो है ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपको फिर ज़्यादा डिटेल में लिखना होंगे, उन क्वेश्चन में इतनी डिटेल नहीं लिखनी होगी जितनी यहाँ पर लिखनी होगी। सो डिस्क्राइब करना होंगे आपने पार्ट्स जो है, डिफरेंट पार्ट्स जो है कमर्शियल लेटर के भी, और एक्सप्लेन करना होगा इनको विद द हेल्प ऑफ अ स्केच, एक स्केच बना के आपने उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। इसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें जो क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे बिजनेस लेटर की, उसको आपने डिस्क्राइब करना है, जारी बात डिटेल में आप करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसके अलावा एक डिफाइन करें इंश्योरेंस, एक्सप्लेन करें जो टाइप्स हैं इंश्योरेंस की उसको, उसके बाद एक डिस्क्राइब करें बेसिक कंसिड्रेशन नए बिजनेस को जो स्टार्ट करने के लिए है, और जारी बात डिटेल में आपने करना होगा। उसके बाद एक डिफाइन कंपनी, कंपनी को डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें प्रोसीजर इनकॉर्पोरेशन का, जॉइंट स्टॉक कंपनी की या फिर जिसको हम कंपनी कहते हैं। उसके बाद एक एक्सप्लेन करें करेक्टरिस्टिक्स एक कंपनी के, जिसके अंदर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद ये डिस्क्राइब करें प्रोसीजर जो है इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का, और एनलिस्ट करें डॉक्यूमेंट जो कि यूज़ होते हैं फॉरेन ट्रेड में, उनकी एक लिस्ट दें आप। और उसके बाद ये डिफाइन करें मार्केटिंग जो मार्केटिंग की टर्म है, क्योंकि मार्केटिंग को लोग नॉर्मली सेल्स समझते हैं, सो ज़ाहरी बात है मार्केटिंग सिर्फ सेल्स नहीं है बल्कि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो आपने डेफिनेशन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देनी होगी। और डिस्क्राइब करना है आपने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के, मार्केटिंग के फंक्शंस भी क्या क्या होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में कई सारी चीज़ें शामिल हैं तो उसके फंक्शंस में भी कई सारी चीज़ें। अच्छा, बिज़नेस लेटर भी ज़ाहरी बात है आते हैं, तो अब बिज़नेस लेटर किस तरह के आ सकते हैं कि ड्राफ्ट एंड ऑर्डर लेटर, एक ऑर्डर लेटर ड्राफ्ट करें परचेज़ के लिए इलेक्ट्रिकल गुड्स की, अज्यूम करते हुए नेसेसरी डिटेल को। इसके अलावा ये कि राइट एंड ऑर्डर लेटर, एक ऑर्डर लेटर लिखें इंपोर्टिंग करने के लिए इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जर्मनी से, और अज्यूम करें नेसेसरी डिटेल्स को भी। उसके अलावा ये कि ड्राफ्ट करें एक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, एक जो असिस्टेंट है उसकी पोस्ट के लिए तमाम नेसेसरी डिटेल को अज्यूम करते हुए। उसके अलावा ये कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखें फॉर द जॉब ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए, और अज्यूम करें तमाम नेसेसरी पर्टिकुलर्स और डिटेल भी। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.